Hey guys, this is Rahul and I again welcome you to this channel of mysergy.com. Guys, आज के वीडियो में हम एक जावा पर बेस्ड मिनी प्रोजेक्ट बनाकर देखेंगे जिसमें हम स्विंग एप्लीकेशन बनाएंगे. एक फॉर्म होगा जिसके अंदर हम पेशेंट्स की डिटेल लेंगे और इसके अंदर एक हम वैक्सीनेशन की डेट डालेंगे और ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट जनरेट होगी. ये रिपोर्ट में नेक्स्ट डेट मेंशन होगी, वो नेक्स्ट डेट 28 डेज को प्रेजेंट डेट में ऐड करके कैलकुलेट की गई होगी. सो बस ऐसा ही एक बेसिक सा प्रोजेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं. सो आ जाइए हमारी कोडिंग स्क्रीन पर. सो गाइस, सबसे पहले तो आप आ जाएं नेटबीन्स में न्यू प्रोजेक्ट पर, फिर यहाँ पर जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें, नेक्स्ट करें और अब यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का एक नाम दे दें. सो मैंने दे दिया है वैक्सीनेशन डिटेल्स और अब इसमें मैं एक न्यू फ्रेम क्रिएट करता हूँ. इस न्यू फ्रेम का भी एक नाम दे दें, तो मैंने कहा फ्रेम 1 और अब कर दें फिनिश. अब यहाँ पर इस वैक्सीनेशन डॉट जावा फाइल से मुझे कोई काम नहीं है, इसलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ. सो इसे डिलीट कर दें और इस फ्रेम के साइज़ को एडजस्ट करें. अब यहाँ से एक लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, इसका साइज़ एडजस्ट करें और इस पर अपना कैप्शन सेट करें, जो भी आप देना चाहते हैं. तो मैंने यहाँ दिया पेशेंट नेम. इसके साइज़ को एडजस्ट करने के बाद अब इसी तरीके से बाकी सारे लेबल्स को भी मैं यहाँ पर अरेंज कर लेता हूँ. अब मैं अरेंज कर रहा हूँ टेक्स्ट फील्ड को. सो टेक्स्ट फील्ड को यहाँ पर स्ट्रेच कर लें और इसके कैप्शन को हटाएं यहाँ से और इसी तरीके से बाकी टेक्स्ट फील्ड्स भी एडजस्ट कर लें. अब मुझे ज़रूरत है एक डेट चूज़र की जो मेरे पैलेट में अवेलेबल नहीं है. अगर आप इस पैलेट को देख रहे हो तो यहाँ पर आपको डेट चूज़र दिखाई नहीं दे रहा है. इस चीज़ को अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं डेट चूज़र को, तो यहाँ राइट क्लिक करें, आप जाएं पैलेट मैनेजर में. अब पैलेट मैनेजर में आपको यहाँ जाना होगा ऐड फ्रॉम जार में और आपको एक जार फाइल को ऐड करना होगा. ये जार फाइल मैंने रख रखी है मेरे कंप्यूटर सिस्टम में डी ड्राइव में और इस डी ड्राइव के अंदर रिक्वायर्ड जार में. सो इस रिक्वायर्ड जार में जो जार फाइल है दैट इज़ जे कैलेंडर 1.4, इसे आप डाउनलोड करें. डाउनलोड करने के बाद प्लेस करें और फिर अपने नेटबीन्स में कर लें इस तरीके से ऐड. अब क्लिक करें नेक्स्ट बटन को और इन सब को करें सेलेक्ट. यहाँ कह दें नेक्स्ट, अब कहें नेक्स्ट और यहाँ कह दें फिनिश और क्लोज. सो यहाँ पर पैलेट में मुझे जे टैग चूज़र मिल गया है, इसे यहाँ से पिक करें और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें. इससे पहले मैं एक लेबल को सेट कर लेता हूँ जो वैक्सीनेशन डेट दिखा रहा है. अब इस जे डेट चूज़र को मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर कर रहा हूँ एडजस्ट. सो इसके साइज़ को एडजस्ट करें और एक सबमिट बटन और दे दें. तो इसके कैप्शन को मैं सेट कर दे रहा हूँ सबमिट और फ्रेम के साइज़ को भी मैंने अरेंज कर लिया है. अब एक और लेबल को मैं यूज़ कर रहा हूँ जो इसकी हेडिंग दिखा रहा है, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन फॉर्म. अब एक नया जे फ्रेम फॉर्म और क्रिएट करें, इसका नाम मैं रखता हूँ फ्रेम 2, इसे करें फिनिश. अब इस फ्रेम 2 में भी मैंने कुछ लेबल्स को एडजस्ट कर लिया है. इन लेबल्स को एडजस्ट करने के बाद वापस इन लेबल्स के सामने जो वैल्यू आनी है उसके लिए मैं यहाँ पर एक और लेबल लेता हूँ. इसे स्ट्रेच कीजिए और स्ट्रेच करने के बाद इसका जो कैप्शन है इसे डिलीट कर दीजिए. और इसी तरीके से मैं एक और लेबल पिक करता हूँ, इस लेबल को अगेन मैं एज के सामने रखता हूँ और इसके बाद इसे स्ट्रेच करता हूँ. इसके अंदर के कैप्शन को डिलीट करता हूँ और ये सेकंड लेबल भी हो गया यहाँ पे सेट. इसी तरीके से बाकी लेबल्स को भी मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ. सो ये लास्ट वाला एडजस्ट हो गया और अब मैं इसके हेडिंग वाला लेबल भी सेट कर लेता हूँ, दैट इज़ फाइनल रिपोर्ट. अब इसके कोडिंग पार्ट पे आ जाते हैं. तो पहले तो मैं इसमें से ये जो मेन है इसको पूरी तरीके से डिलीट करता हूँ यहाँ से और इसे डिलीट करने के बाद अब मैं इस फ्रेम कंस्ट्रक्टर में एक एरे लिस्ट को रिसीव करता हूँ. ये एरे लिस्ट मुझे पास की जाएगी फ्रेम 1 से, जो डेटा अपने अंदर रखेगी वही यहाँ पर मैं फेच करूँगा. इससे इसे इंपोर्ट कर लें पैकेज को. इसके बाद अब फ्रेम 1 की कोडिंग में आते हैं और यहाँ पर सोर्स में मैं एक रेफरेंस क्रिएट करना चाहता हूँ मेरी जे फ्रेम क्लास का. इसे मैं रिसीव करूँगा यहाँ पर. सो मैं यहाँ ऊपर एक स्टैटिक रेफरेंस क्रिएट कर लेता हूँ जे फ्रेम क्लास का. सो यहाँ मैं लिखता हूँ स्टैटिक जे फ्रेम जे एफ और यहाँ नीचे मैं लिखता हूँ जे एफ इज इक्वल्स टू न्यू जे फ्रेम और फिर यहाँ पर लिखता हूँ जे एफ डॉट सेट विजिबल ट्रू. चलिए अब हम इस बटन पर डबल क्लिक करके इसका इवेंट हैंडलिंग का कोड जनरेट कर लेते हैं. सो ये इवेंट हैंडलिंग का कोड जनरेट हो गया है. इसके अंदर अब मैं एक एरे लिस्ट क्रिएट करता हूँ और इस एरे लिस्ट में मैं जे टेक्स्ट फील्ड से डेटा निकाल कर इस एरे लिस्ट में कर देता हूँ ऐड वाया यूजिंग द मैथड गेट टेक्स्ट. और इस गेट टेक्स्ट से जो डेटा मिला वो मैं ऐड कर रहा हूँ हमारे एरे लिस्ट में विद द ए डॉट ऐड मैथड. अब इसी तरीके से हमारी जितनी टेक्स्ट फील्ड्स हैं उन सब में से डेटा निकाल देते हैं और एरे लिस्ट में ऐड कर देते हैं. एट लास्ट हमारा जो जे डेट चूज़र है उस जे डेट चूज़र से भी डेटा को निकालता हूँ और डेट में ऐड कर देता हूँ. अब एक
फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, दैट इज़ न्यू फ्रेम टू, हमारी दूसरी फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और यहाँ एक मेथड कॉल करता हूँ सेट ऑलवेज ऑन टॉप और इसे फॉल्स आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर हमारी फ्रेम टू में और यहाँ पर पहले तो मैं इस फ्रेम को विजिबल करता हूँ वाया कॉलिंग द मेथड दिस डॉट सेट विजिबल और इसे पास करता हूँ मैं ट्रू। अब सारी डेटा को एरे लिस्ट से मैं निकालता हूँ विद द गेट मेथड और इसे सेट कर देता हूँ उन सारे लेबल्स पर जो हमने फ्रेम पर बनाए हैं जो इनविजिबल है। सो उनके रेफरेंसेस यूज़ कर लीजिए और यहाँ पर सेट टेक्स्ट मेथड यूज़ करते हुए एरे लिस्ट से डेटा निकालिए विद द मेथड गेट। इसे इंडेक्स पास कीजिए 0 और इसे टाइप कास्ट कर दीजिए स्ट्रिंग में और ये डेटा हमारे लेबल पर हो जाएगा ऐड। इसी तरीके से बाकी सारे लेबल्स के लिए भी डेटा को सेट करिए। एट लास्ट हम डेट निकाल लेते हैं हमारे एरे लिस्ट से, तो मैं लिखता हूँ डेट डी टी इज़ इक्वल्स टू एल डॉट गेट और यहाँ पर पास कर दीजिए 6th इंडेक्स, तो यहाँ पर मुझे डेट भी मिल जाएगी। अब इस डेट को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ लोकल डेट में, सो लिखिए यहाँ पर लोकल डेट एल डी इज़ इक्वल्स टू डी टी डॉट टू इंस्टेंट मेथड। इसके बाद अब आप कॉल करें एट जोन मेथड और इस एट जोन मेथड को आर्ग्यूमेंट पास करें जोन आई डी डॉट सिस्टम डिफॉल्ट। इसके बाद टू लोकल डेट मेथड यूज़ करें जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा लोकल डेट में। अब इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एल डी के साथ फॉर्मेट मेथड को यूज़ कर लें। अब इस फॉर्मेट मेथड को डेट टाइम फॉर्मेटर क्लास का एक मेथड है ऑफ पैटर्न, इस ऑफ पैटर्न मेथड को यहाँ पर कॉल करें और इसे पास कर दीजिए एक पैटर्न दैट इज़ डी डी डैश एम 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 डैश वाई 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 वाई। सो अब ये एक स्ट्रिंग में आ गया है तो इसे स्ट्रिंग से लेबल पर कर दीजिए ऐड वाया कॉलिंग द सेट टेक्स्ट मेथड और यहाँ पास कर दिया मैंने डी एल। अब अगर आप इसमें 28 दिन जोड़ना चाहते हैं सो 28 दिनों को जोड़कर उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए लिखिए स्ट्रिंग डी टू इज इक्वल्स टू एल डी डॉट प्लस डेज। सो प्लस डेज मेथड को पास कीजिए 28 और यहाँ पर इसे भी फॉर्मेट कर दीजिए आप जैसा आपने ऊपर किया था। सो उसे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो स्ट्रिंग हमारे पास अवेलेबल है इसे आप ऐड कर दीजिए हमारे लेबल पर जे लेबल 16 डॉट सेट टेक्स्ट और यहाँ पास कर दीजिए डी टू। चलिए तो अब ये कोड हमारा हो गया है बनके तैयार, अब इसे हम चला कर देख लेते हैं। पहले मैं पेशेंट नेम में डालता हूँ राम कुमार, फिर इसकी एज डालता हूँ 54, इसके बाद जेंडर डालता हूँ मेल, हॉस्पिटल नेम एम्स और इसके बाद एड्रेस डाल देता हूँ भोपाल और यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर और फिर वैक्सीनेशन डेट डालता हूँ मैं 14 अप्रैल 2021। अब मैं करता हूँ सबमिट। यहाँ पर ये सारी डिटेल इस फाइनल रिपोर्ट में आ गई है और जो नेक्स्ट डेट है वैक्सीनेशन की वो भी यहाँ पर प्रिंट होकर मिल गई है।